सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर इन दिनों टखने की चोट के चलते क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। आईपीएल 2019 के दौरान उनकी टखने की चोट उभर आई थी, इसके चलते उन्होंने सर्जरी कराई है और इसके चलते वे बैसाखिया से चलने को मजबूर हैं। उन्होंने इंग्लैंड में अपना ऑपरेशन कराया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम से मिलने के लिए रविवार को शार्दुल ठाकुर बैसाखियों के सहारे पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम ने उनकी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। फोटो के साथ लिखा था, आज सुबह शार्दुल ठाकुर हमसे मिलने पहुंचे और हमें उन्हें देखकर अच्छा लगा। हम इस चैंपियन खिलाड़ी के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। बता दें कि शार्दुल ने सर्जरी कराने से पहले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से सलाह मशवरा किया था। धोनी उनके आईपीएल के कप्तान हैं। वे धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। वहीं रोहित शर्मा और शार्दुल मुंबई रणजी टीम के साथी हैं। शार्दुल वर्ल्ड कप 2019 के ठीक बाद जुलाई में वेस्ट इंडीज के दौरे पर टीम इंडिया में नजर आएंगे। वेस्ट इंडीज जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें जगह दी गई थी। इस दौरे से पहले शार्दुल के ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।